देखिए दोस्तों, अनबॉक्सिंग किया जा रहा है अभी टमाटर पैकेट को, जिसमें बीज 3,500 लगता है, रहता है लास्ट बॉर्डर में। ये जो नर्सरी के लास्ट बॉर्डर में, ये देखिए, ये बैगन पैकेट, ये देखिए, ये बैगन का पैकेट, इस साइड जो अभी लगाने जा रही है, ये बैगन का पैकेट है। ये देखिए बैगन का बीज अभी लाइन लाइन लगाया जा रहे हैं। ये देखिए, हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में दिखाया जाएगा जो सही समय पर ये नेचुरल विधि से चारा कैसे निर्माण किया जाता है। इससे पहले दोस्तों, जो कि हम लोग का शीतकालीन समय हुआ ही नहीं, इससे पहले हम लोग वो हम जहाँ करेले उगाए थे उस प्लॉट में चारा दिए थे, लेकिन ना के बराबर हुआ है, चारा मतलब निकला ही नहीं। टोटल मिला के गोभी 2 पैकेट और टमाटर के 2 पैकेट दिया था, यानी कि टोटल कुल मिला के 10,000 से ज़्यादा वहाँ चारा दे दिया था, लेकिन उस चारा अभी तक हुआ ही नहीं। दोस्तों, ये रहा बैगन का पैकेट, जो कि एक्स्ट्रा हम लोग चारा दे रहे हैं। बैगन उस समय दिया नहीं था, इससे पहले ब्लॉग में जो दिखाया था। ये रहा वही गोभी जो कि मिस चला गया है, वहाँ हुआ नहीं, एक भी चारा निकला नहीं गोभी का। तो ये गोभी 2 पैकेट है, वही गोभी है जो कंपनी हम इससे पहले वाला ब्लॉग में दिखाए थे, सिजेंटा का। उसके बाद ये देखिए, ये साहू कंपनी का है वही, जो कि ये सारे इससे पहले जो चारा निर्माण के बारे में जो ब्लॉग छोड़े थे उसमें बताए थे इसके रेट के बारे में, ये इसका कंपनी के बारे में। उसके बाद ये देखिए बैगन पैकेट है 2 पैकेट, ये सफ़ेद वाला बैगन है और ये बैगनी कलर का बैगन है। तो आइए दोस्तों, दिखाते हैं मिट्टी के बारे में। ये जो मिट्टी दिख रहे हैं ये मिट्टी लगभग 4-5 दिन जो धूप निकलता है वो धूप खिलाए हैं इस मिट्टी को, उसके बाद थोड़ा सा सूख गया है पानी, इससे पहले बहुत ज़्यादा हुआ था, जो कि वही प्लास्टिक द्वारा ढक कर रखे थे। उसके बाद इस मिट्टी लगभग सूख गया है, हल्का थोड़ा सा भीगा टाइप का है, लेकिन इतना गीला है नहीं। तो आइए दोस्तों, अभी इसको फिर से थोड़ा इसको कुदाल की सहायता से थोड़ा इसको फिर से महीन किया जा रहा है, जो कि इसको ऐसा करके पीसा जा रहा है ताकि वो अच्छा पीस जाए इस मिट्टी और पूरा ऐसा करके गुड़ा हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आगे का प्रोसेस दिखाते हैं नेचुरल विधि द्वारा ये चारा निर्माण कैसे किया जाता है। मतलब एक बार चारा हुआ नहीं, हम लोग को हार मानना नहीं है, जो कि ये खेती बाड़ी का है, कभी होता है कभी नहीं होता है, यही होता है हम लोग का खेती बाड़ी का खेल ही समझिए। पता नहीं वो ऊपर वाला का ये सब अगर ऊपर वाला मार दे तो बचना नामुमकिन सा है, इसीलिए दोस्तों वहाँ तो पूरा ठप हो गया है चारा। तो फिर से अभी शीतकालीन लगभग पहुँच रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग दे रहे हैं, जो कि आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर 2024, ये चारा निर्माण होने में लगभग 20 से 22 दिन में निर्माण हो जाएगा, जो कि इसको प्लांट मतलब ट्रांसप्लांट करने में आ जाएगा। मतलब जैसे यहाँ निर्माण हो जाएगा उस प्लॉट में हम लोग उस चारा को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, दिखाते हैं चारा कैसे दिया जाता है। देखिए दोस्तों, वो जितने सारे वीडियो में दिखाए सभी चारा निर्माण करने के लिए, ये देखिए कबूतर, ये हम लोग के घर का पीछे साइड में है इतने सारे, और घर के चारों तरफ है पीछे साइड, इतने पीछे साइड का मैं दिखा रहा हूँ, जो कि उधर देखिए उधर भी है कबूतर रहने का घर, इधर देखिए इधर भी है, मतलब घर के चारों तरफ ही है। तो दोस्तों दिखाते हैं, जो कि ये कबूतर है, कबूतर का क्या बोलते हैं, कबूतर का खाद उस जहाँ चारा दे रहे हैं उसी जगह में हम लोग थोड़ा डालेंगे, ताकि जो प्लांट निर्माण हो उसमें बढ़िया तरीके से हो। और ये देखिए इतना सारा ये खाद है जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये जितना सारा दिख रहे हैं ये खाद है, इसी है हम लोग का ये ढमा, एक ढमा यही प्लास्टिक के जगह में इतना सा लेकर वहीं पे डालेंगे, ताकि चारा परिपुष्ट हो, बढ़िया हो, इसीलिए दोस्तों इसी को यूज करेंगे। इससे पहले जो हम लोग चारा दिए थे उसमें थोड़ा सा खोइल यूज किए थे, और थोड़ा जो बैल का गोबर होता है उस गोबर यूज किए थे, लेकिन वहाँ तो हुआ ही नहीं, इसीलिए दोस्तों फिर से चारा देने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं।
दोस्तों ये रहा कबूतर का खाद, इसी को भी यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहीं से लेके जा रही है वही कबूतर का खाद। ये देखिए दोस्तों, ये कबूतर का खाद है, ये रहा, ये इस मिट्टी में मिलान किया जा रहा है। ऊपर में देने के बाद थोड़ा सा कुदाल की सहायता से बढ़िया से मिलान कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अनबॉक्सिंग किया जा रहा है अभी टमाटर पैकेट को, जिसमें बीज 3,500 लगता है, रहता है। और टमाटर का बीज ये देखिए नीला जैसा दिख रहे हैं, लाइन लाइन ज़मीन के अंदर डाला जा रहा है, यानी कि ज़मीन में गिराया जा रहा है। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा अभी जस्ट 1/2 इंच से भी कम नीचे डाला जा रहा है। ये दोस्तों देखिए ऐसा करके, ये देखिए टमाटर के बीज, देखिए दोस्तों हम लोग का लाइन लाइन टमाटर के बीज ज़मीन में डाल दिए हैं। ये देखिए थोड़ा सा उस बार में जैसा मिट्टी दिया था, लगता है ऐसा कि थोड़ा ज़्यादा मिट्टी हो चुका था, इसलिए अभी नहीं निकले होंगे। और वहाँ बालू मिट्टी था, बहुत तरह के वो दोष हो चुके होंगे, इसलिए वहाँ नर्वस मतलब नील हो गया है। अभी दोस्तों हल्का सा मिट्टी को ये देखिए ढक दे रहे हैं, जितना सारा ये देखिए बीज हल्का सा ढक दे रहे हैं। ये देखिए इधर हो गया, इस साइड में टमाटर, यहाँ से वहाँ तक रहा, वहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आगे उधर बीच में गोभी देंगे और साइड में बैगन देंगे। अभी हम गोभी मिट्टी के अंदर डाला जा रहा है, ये रहा बीज, गोभी का बीज। चलिए ये देखिए डाल रहे हैं, हल्का सा मिट्टी को गड्ढा किया जा रहा है, जो कि आपकी 1 इंच से भी कम है। ये उस साइड में तो हो चुका है, इस साइड में अभी बाकी है। यहाँ तक ये जो यहाँ क्यारे बना चुके हैं, ये जो लकीर खींच चुके हैं इधर, वो देखिए इधर इस साइड में देंगे। लास्ट में बैगन, इसमें भी गोभी के बीज डाला जा रहा है। वो जो उधर उस साइड में टमाटर के बीज लगाए हैं, बीच में गोभी, और इधर लास्ट बॉर्डर में ये जो नर्सरी के लास्ट बॉर्डर में ये देखिए ये बैगन, ये बैगन पैकेट, ये देखिए ये बैगन का पैकेट इस साइड जो अभी लगाने जा रही है, ये बैगन का पैकेट है। ये देखिए बैगन का बीज अभी लाइन लाइन लगाया जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक दे देगी बैगन, दो प्रकार के बैगन है हम लोग का, तो ये डाल दिए जाएंगे। ये रहा ये देखिए बीज, थोड़ा सा मिट्टी को गड्ढा किए हैं 1/2 इंच से भी कम, और उसमें बीज बोया जा रहा है। ये रहा देखिए दोस्तों, ऐसा करके एक एक करके हम दोनों मिलके बंधा गोभी के 2 पैकेट, बैगन के 2 पैकेट और टमाटर के 1 पैकेट बीज को इस नर्सरी में डाल दिए दोस्तों। देखिए ये जो वहाँ हम लोग का घर सामने, और सामने घर है, जो कि ये मुर्गा का प्रकोप देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मिट्टी को खुदा गया है और इसको नर्सरी तैयार किया गया है। इसीलिए दोस्तों उस मुर्गी से बचने के लिए, क्योंकि इसमें घुसेंगे और उसके पैर की सहायता से उथल पुथल कर देंगे, इसीलिए दोस्तों तो इसको संभालना ज़रूरी है। इसको चारों तरफ से घेर दिया जाएगा नेट की सहायता से, तो जाके ये नर्सरी सुरक्षित रहेंगे। हम दोनों मिलके ये जो नर्सरी बना चुके हैं, ये नर्सरी बुधवार को दोनों मिलके टमाटर, बीच में गोभी और साइड में बैगन बोए थे, जमीन के अंदर डाले थे। तो दोस्तों देखिए, उसके बाद ये जो दिख रहे हैं अंदर में जो दिया हुआ है, इधर देखिए अंदर में जो ये दिया हुआ है, इधर देखिए पुआल जो धान के होते हैं,
वो जो पुआल, ये पुआल बिछा दिए हैं बृहस्पतिवार को। फिर आज हो गया सोमवार, यानी कि बीज बोने के 4 दिन बाद हम लोग इस पुआल को उठा देंगे, क्योंकि ये जितने सारे पौधे हैं बीज सब अंकुरित होकर पौधे हो चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो हम लोग ये सब किए हैं, ये जो ढक दिए हैं प्लास्टिक की सहायता से, प्लास्टिक की जो सहायता से ये ढक दिए हैं, जो आज के रात है के समय आसमान में बादल छाए हुए थे, इसलिए पानी के डर से ऐसा करना पड़ा, क्योंकि अगर यहाँ पानी अंदर में चल जाएगा तो जितना सारा पौधा है सड़ा देंगे। तो इससे पहले दोस्तों वहाँ तो सड़ा चुके हैं पानी में, और वहाँ सक्सेस हुआ नहीं है हम लोग का। ये नर्सरी जो जहाँ करेले उगाए थे उसी में हम लोग दिए थे टमाटर और गोभी, तो वहाँ हुआ नहीं है, तो यहाँ सक्सेस हो चुका है हम लोग का। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं ये प्लास्टिक उठाकर। दोस्तों ये देखिए, इधर टमाटर के पौधे जो कि जितने सारे पुआल थे लगभग उठा के कंप्लीट कर लिए हैं, उधर जारी है उठाने का पुआल। ये देखिए उठा रही है उधर, ये टमाटर के पौधे दिख रहे हैं ना, ये देखिए टमाटर के पौधे जो बीच में है, गोभी के पौधे दिख रहा हूँ, ये देखिए ये हुआ गोभी के पौधे, ये बीच में दिया हुआ है गोभी के पौधे जो कि 2 पैकेट, टमाटर के बीच 1 पैकेट, और इधर बैगन, बैगन ये रहा बैगन, बैगन के पौधे देखिए, ये पौधे दिख रहे हैं ना, ये रहा बैगन के पौधे। 4 दिन बाद हम लोग का सभी पौधे उग चुके हैं। ये रहा वो बीच में जो नेट है ऑटोमेटिक सिस्टम वाला, जो पुआल उठाने के समय जो बीच का डंडा देख रहे हैं उस डंडा में टांग दिए हैं नेट को, ताकि पुआल उठाने में हम लोग को सुविधा हो। दोस्तों ऑटोमेटिक नेट को देखिए चारों तरफ जो लोहा के खूंटी गाड़ के खड़ा कर चुके हैं, ये रहा इनका लुक, ये देखिए, ताकि मुर्गा ना घुसे। तो नेचुरल विधि से कैसे करके नर्सरी तैयार करते हैं एवं बीज डालकर जमीन से कैसे पौधे उगाए जाते हैं, तो इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो हम लोग उस साइड में नर्सरी बना चुके हैं, उसमें दिया है टमाटर, गोभी और बैंगन। तो चलिए दोस्तों, जो कि पिछले बुधवार को हम लोग बीच वहाँ जमीन के अंदर डाले हैं, और आज हो गया बृहस्पतिवार, यानी कि टोटल कुल मिला के 8 दिन उसका आयु हो रहा है। तो 8 दिन का आयु में हम लोग का पौधा कितना बड़ा है वही दिखा रहा हूँ कि चलिए दोस्तों देखिए, देखिए इधर देखिए, जो कि घर के सामने है, बगल में है, तो आइए दोस्तों दिखाते हैं। दोस्तों ये रहा बैगन के बीज, जो कि पौधा उग चुके हैं, जो इधर हम लोग डाले थे पूरा पूरी 100% बैगन निकल चुके हैं, बैगन के पौधे। और वो जो उधर दिख रहे हैं इतना नहीं, इधर बीज वाला वो जो दिख रहे हैं वो गोभी है, और उस साइड में जो दिख रहे हैं उस साइड दिखाओ, जो उस साइड में जो दिख रहे हैं ये हो गया टमाटर के पौधे। यानी कि दोस्तों ये इधर दिखाओ, ये दोस्तों जो हम लोग ये पौधा उगाए हैं, जो कि हम लोग का ये नर्सरी है एक प्रकार का, ये नेचुरल पद्धति द्वारा हम लोग ये नर्सरी तैयार कर चुके हैं और पौधा भी निकल चुके हैं। दोस्तों देखिए, इसमें एक उदाहरण है, जैसे कि होता है हमारे देश में जो पोल्ट्री होता है, जो कि मुर्गा के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो पोल्ट्री बॉयलर होता है, बॉयलर का ताकत देखिए, बॉयलर की कितना ताकत होता है, बॉयलर का उसमें सिर्फ मांस होता है लेकिन उसका उतना दम नहीं है, ताकत नहीं है। और जैसे देसी मुर्गा का बात कर रहे हैं, देसी मुर्गा का ताकत, दम और दिमाग ही अलग रहता है,
इसीलिए दोस्तों सेम चीज़ वही है जो नर्सरी में जो घर बना के तैयार करके जो प्लांटेड निर्माण करते हैं उसका उसका तगद और ये जो नेचुरल पद्धति से हम लोग ये जो चारा निर्माण किए हैं पौधा निर्माण किए हैं इसका तगद जमीन जमीन और आसमान फर्क होता है। तो दोस्तों इसमें वही हम लोग समझेंगे कि जो नर्सरी में जो घर बना हुआ पौधा का दाम 100% होता नहीं है। ये अपना बात मैं कह रहा हूँ और दुनिया के बारे में क्या बताऊँ, दुनिया तो समझ ही रहे हैं जो कि मैंने उदाहरण दे के बता रहा हूँ। तो जैसे दोस्तों ये वाला हम लोग ये ट्रांसफ़र करेंगे मतलब इस नर्सरी से जिस पर जिस जगह में हम लोग लगाएंगे उस जगह इसको उखाड़ के और जाके उस किसी भी ज़मीन में लगाएंगे तो दोस्तों तो इसमें तुरंत जो मिट्टी पकड़ने वाला ताकत होता है इस पौधे का तुरंत मिट्टी को पकड़ लेता है और जो नर्सरी में पैदा होते हैं जो कि पौधा उसमें उतना जल्दी उस मिट्टी को पकड़ने बहुत लेट करता है। तो दोस्तों यही होता है फ्रॉक नेचुरल पद्धति और नर्सरी वाला पद्धति। तो दोस्तों ये मैंने सारे पद्धति के बारे में बताए हैं नेचुरल विधि से कैसे करके प्लांटेड निर्माण किया जाता है वो सब कुछ इसके बारे में बता चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों आज के जो ब्लॉग आज लगभग 8 दिन का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो आने तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।